बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मरक, जो बनाना बहुत आसान है। ये नान की रोटी के साथ खाने में बहुत लजीज लगता है। आइए इसकी रेसिपी देखें। जिसके लिए हमें चाहिए दूध 100 ml, क्रीम 100 ml, दही 100 ग्राम, घी 100 ग्राम, हरी मिर्च 9 से 10 पेस्ट बनाया है, 20 काजू और 20 बादाम लिए हैं, बादाम का छिलका निकाल लिया है भिगने डालकर, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, प्याज 2 कट कर कर लिए हैं, मटन 1 kg, लौंग 8 से 9, इलायची 2 बड़ी इलायची लिए हमने, कबाब चीनी 1 टीस्पून, शाहजीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, दालचीनी 5 पीस लिया है, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। अब एक कुकर लेंगे, गैस को ऑन करेंगे, घी डालकर प्याज को तल लेंगे, प्याज को अच्छे से लाल करेंगे। प्याज लाल हो जाने पर अदरक लहसुन डालेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी, शाहजीरा, दालचीनी, सब मसाले भी डाल देंगे। मरग में लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम गोश्त भी डाल देंगे। ये हमने 1 kg मटन लिया है, बोन के साथ में है। अब इसे अच्छे से हिलाकर हरी मिर्च डाल देंगे। अब एक गिलास पानी डालकर इसे 3 सीटी लेने के लिए रख देंगे। 3 सीटी होने पर 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रखेंगे, इससे गोश्त अच्छे गल जाता है। ये देखिए, हमने स्लो पर भी छोड़ा था इसे, अब हम चेक करेंगे, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें दही डाल देंगे, क्रीम भी डाल देंगे। ये काजू बादाम का पेस्ट बनाया है हमने, वो भी डाल देंगे। दूध डाल देंगे और एक गिलास पानी डालेंगे। हरा मसाला डालकर इसे पकाएंगे, जब उबाल आएगा जब धीमे पर छोड़ देंगे। ये हमारा मरक तैयार हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें।